मिल्ला रखना रहीम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेटर्स कश्माला टॉक्स है आप सब लोग खैरियत से होंगे जैसा कि आप लोगों को पता है हमने ऑक्यूपेशन ऑप्टोमेट्री का एक छोटा सा कोर्स स्टार्ट किया हुआ है तो आज हम ऑक्यूपेशन ऑप्टोमेट्री पे ही बात करेंगे और हम व्यूल एनोमलीज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो देखने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट्स मिलती रहें अच्छा जी हम बात कर रहे हैं वी एन अनॉमलीज के ऊपर ठीक है सबसे पहले अनॉमली होता क्या है नॉर्मली समथिंग डिफरेंट या समथिंग एबनॉर्मल ठीक है अब अगर व्हीअल अनॉमली हम कहते हैं किसी का वी एन कम है कोई भी रीजन हो सकती है ठीक है हम कहते हैं इसको व्हील अनिली है इसी तरह अगर कलर भी इन डिफेक्टिव है डिफिशेंट है तो हम कहते हैं कलर वी एन अनॉमली है ठीक है किसी भी व्हीअल फंक्शन की नॉर्मली हो सकती है व्हीअल फील की नॉर्मली हो सकती है कंट्रास्ट की नॉर्मली हो सकती है ठीक है तो अनॉमली मीन्स समथिंग डिफरेंट और एबनॉर्मल ठीक है इन अदर वर्ड्स वील अनोमलीज एक्चुअली वील डिस्टर्बेंस ठीक है आपके नॉर्मल वी के साथ कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाए दैट इज वील अनोमली या कोई अब नॉर्मेलिटी हो जाए ठीक है तो ये तकरीबन सेम ही सेंस बनाती है वीएल अनोमली वील डिस्टर्बेंस या वील एबनॉर्मेलिटी अब वील अनोमली जो है वो माइल्ड भी हो सकती है मॉडरेट भी हो सकती है स्वेयर भी हो सकती है ठीक है आपकी उस पर डिपेंड करता है स्वेयरिटी ऑफ डिजीज कितनी है जितनी ज्यादा डिजीज की सिवेरिटी होगी उतनी ही डेफिनेटली व्यूअल डिस्टर्बेंस होगी या व्यल एबनॉर्मेलिटी होगी ठीक है अब हम बात करते हैं कि कॉमन व्हीअल इनोमलीस हैं कौन कौन सी ठीक है यानी ऐसी कौन सी कंडीशन हैं जिनमें आप कहेंगे कि ये एक व्हीअल इनोमली में आ जाती हैं सबसे पहली चीज ब्लड वियन ठीक है डिस्टेंस वियन फार विन पेशेंट का या नियर वीर जो है बहुत ज्यादा ब्लर्ड है वो अपना टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है इट मीन्स वियोलोनॉमली ठीक है इसी तरह कलर वियन डिफेक्टिव है ठीक है कलर्स की उसको या कलर कंट्रास्ट को में उसको डिफ्रेंश नहीं कर पा रहा इट मीनस कलर ब्लाइंड है ये भी कलर नॉमली या वियोलोनॉमली में आ जाता है थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग वील फील्ड डिफेक्ट्स ठीक है उसका पेरफ्रल वन जो है वो डिफेक्टिव है और उसको जो है मोबिलिटी ओरिएंटेशन में इशू आ रहा है या साइड से चीजें देखने में इशू आ रहा है तो इट मीन्स के उसको व्हीअल फील इनोमली है या व्हील इनोमली है ठीक है एंड फोर्स फोर इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी अगर कंट्रास्ट उसका बहुत रिड्यूस्ड है ठीक है कॉन्ट्रास्ट के डिफेक्ट्स हैं और ये भी जो है वो कॉन्ट्रास्ट अनोमिली में या व्हीअल इनोमली में कंसिडर होता है वैसे तो व्हील अनोमलीस बहुत सारी कॉजेज हैं यहाँ पे मैंने एक छोटी सी हेडिंग दे दी है कि, कि कौन सी कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर के अकॉर्डिंगली ऐसे कौन चार से चार प्रॉब्लम्स हैं जो व्हील अनोमली कॉज करते हैं हमें पता है कि व्हील अनोमली कॉज करने में मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया स्टिंगबेटिज्म प्रेसबाओपिया जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मायोपिया है पेशेंट मायोपिक है डिस्टेंस वियन कम है उसको व्हील अनोमली है ठीक है हाइपरमेट्रोपिया है फार डिस्टेंस नियत दोनों ब्लड हो जाते हैं उसमें ठीक है वियलोनॉमली है स्टिग्माटिज्म है आपको पता डिस्टॉर्टेड डिस्टोर्टेड वियन है ब्लड वियन है वियएलोनॉमली है सिमिलरली प्रेस बायोपिया है ठीक है और उसमें आप दियर का टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा कैंडिडेट पेशेंट इट मीन्स के ये वियल इनॉमली है ठीक है ये आ गई जो फोर इम्पॉर्टेंट आप ये समझ लें कि प्रॉब्लम्स हैं जो रिफ्रैक्टिव एरर के वजह से हैं जो वील अनोमली काज करते हैं वो चारों प्रॉब्लम्स ये हैं ये चार रिफ्रेक्टिव एरर्स अल्दो अल इज़ नॉट अ रिफ्रैक्टिव एरर लेकिन हम इसको जो है इसी कैटेगरी में फ़िलहाल कंसिडर करते हैं कौन तो कौन सी ऐसी कॉज हैं जो जो व्यल अनोमलीस काज करती हैं देखिए ये वो चीज़ें हैं इनको मैंने सेपरेट इसलिए लिखा है कि ये वो चीज़ें हैं ये वो पैरामीटर्स हैं जो मोस्टली इग्नोर हो जाते हैं ठीक है हमारा ज्यादा जो कंसर्न होता है हम ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं रिफ्लेक्टिव पे कर रहे होते हैं कि कोई रिफ्लेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग जिसको ग्लासेस दे दी तो इशू सॉल्व हो गया ठीक है लेकिन ये पैरामीटर्स हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनको मैय करना प्रॉपर्ली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अब ये जो काजेस हैं वे नॉमलीज की उनमें क्या क्या है कन्वर्जेंस एकोमोडेशन एक्सट्रॉक मसल्स एंड बायनोकुलर वी डिसऑर्डर्स ठीक है कन्वर्जेंस इन सफिशंसी बहुत कॉमन है या कन्वर्जेंस एक्सेस ठीक है अक्सर लोगों में होती है आपको पता कन्वर्जेंस सफिशेंसी है तो आई जो है आउटवर्ड मूव कर जाती है एक्जोफोरिया कॉन्सेट हो जाता है इनसफिशेंसी है एक्सेस है तो आइज जो है वो इनवर्ड मूव कर जाती हैं तो कन्वर्जेंस को प्रॉपर्ली मइर करना दस वेरी इंपॉर्टेंट अगर कन्वर्जेंस का कोई इशू है तो हम उसको वहाँ पर मॉनीटर करेंगे एग्जामिन uh, करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसको uh, जो है मैनेज मैनेज करेंगे ठीक है इसी तरह एकोमोडेशन है एकोमोडेट नॉमली अकॉर्डिंग टू एज उसकी अकोमोडेशन कितनी होनी चाहिए ठीक है एकोमोडेटिव एकोमोडेशन एक्सेस तो नहीं है या एकोमोडेशन uh, की इनसफिशंसी तो नहीं है तो उसको प्रॉपरली मैनेज करना क्लासेस देनी है किस क्या पावर देनी है क्या करना है उसके अकॉर्डिंगली वो तो आप तभी करेंगे जब आप उसकी प्रॉपर्ली एकोमोडेशन को मैयर करेंगे ठीक है इसी तरह एक्स्ट्रा मसल्स मसल्स देखना सारे नाइन के नाइन कॉर्डेंट्स में के को किसी जगह पर मसल कोई ओवर एक्ट या अंडर एक्शन तो नहीं है एक्स्ट्रा मसल्स उसके फुल हैं ठीक हो गया और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ इज बायनोकुलर वन डिसऑर्डर्स के बाइनकुलरली ठीक है फ्यूजन है और कोई स्कूल या कोई मिसअलाइनमेंट तो नहीं है अगर है तो उसको मॉनिटर करना फिर उसकी मैनेजमेंट करना ठीक है तो ये वो तमाम आपके पैरामीटर्स हैं जो नॉर्मल होना बहुत जरूरी हैं और अगर इनकी कोई अब नॉर्मलिटी है तो हम उसको वील अनोमली में वियलोनॉमली कंसिडर करते हैं और उसको उसके अकॉर्डिंगली जो है मैनेज करना होता है ठीक है हम बात करते हैं कि एक ऑकुपेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट का या एक ऑप्टोमेट्रिस्ट का जो ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्री में वर्क कर रहा है उसका क्या रोल होना चाहिए इन द मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ दीज व्यूअल इनोमलीस ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसने क्या करना है व्यूअल एक्यूटी एग्जामिन करनी है ठीक है डिस्टेंस में भी नियर में भी विद हेल्प ऑफ स्नैल एंड या ई टी जो भी अवेलेबल सोर्स है ठीक है व्यूल में जो है वो मॉनिटर करना फिर अगर कोई डिफेक्ट है कोई व्यूल इक्विटी कोई रिफ्लेक्टिव एरर है उसको प्रॉपरली मैनेज करना ठीक है उसके बाद आ जाते हैं कलर वी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल नॉर्मल स्क्रीनिंग हम आपको पता है इशारा टेस्ट चार्ट से करते हैं मोबाइल में भी कुछ एप्स हैं उसमें भी आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं तो कलर भी प्रॉपरली जो है असेस करना कि नॉर्मल है नहीं है अगर नहीं है तो पेशेंट को किस तरह से कॉन्सल्ट करना है कि वो जिस भी जो उसकी वर्क प्लेस है उसके अकॉर्डिंगली वो उसके लिए सूटेबल है या नहीं है ठीक है फिर आप आगे आ जाते हैं कॉन्ट्रा सेंसिटिविटी टेस्टिंग हमें आजकल जो हम यूज़ करते हैं वो पहले ऑप्शन कॉन्ट्रा सेंसिटिविटी चार्ट यूज़ होता है स्क्रीनिंग के लिए तो वो आप यूज़ कर सकते हैं उससे आपको आइडिया हो जाता है कि कॉन्ट्रास्ट जो नॉर्मल है नहीं है अगर नहीं है तो माइल्ड मॉडरेट सवेयर आप उसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं देखिए अगर माइल्ड डिफेक्ट है तो वो उसका कोई इतना इशू नहीं होता लेकिन मॉडरेट सवियर में बहुत सारे इस तरह की आकुपेशन uh, है जिनमें जो कैंडिडेट है उसको प्रॉब्लम होती है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको देखना कि आप अगर उसका कॉन्ट्रास्ट रिड्यूस है उसको आप मैनेज करते हैं मैने फेक्टिव एर क्रैक करके उसकी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है और अगर मैक्सिमम आप उसका एरर भी करेक्ट कर लेते हैं मैक्सिमम उसकी जो भी कंट्रास्ट को मैनेज करने के लिए एफर्ट करते हैं उसके बावजूद भी उसका कंट्रास्ट सिवरली डिफेक्टिव है या मॉडरेट है तो फिर आपने उसको किस तरह से कौनसल करना है कि वो वर्क प्लेस उसके लिए सूटेबल है या नहीं है ठीक है उसके बाद आ जाते हैं वी विल फील टेस्टिंग ठीक है बहुत इम्पॉर्टेंट आप नॉर्मली uh, आप कन्फ्रटेशन टेस्ट से भी कर सकते हैं ठीक है और अगर आप डिटेल में करना चाहें तो और भी बहुत सारे वेज हैं ठीक है तो आप उसकी प्रॉपर व्यूल फील्ड टेस्टिंग करना और उसकी पेरिफेरल फील्ड को एक्सेस करना कि नॉर्मल है नहीं है अगर नहीं है तो आपको पता है बहुत सारे ऑकुपेशन के लिए वो सूटेबल नहीं है फिर उसके अकॉर्डिंगली देखना कि ये जो ऑक्यूपेशन जिसके लिए वो आप उसको एग्जामिन कर रहे हैं वो उसके लिए सूटेबल है या नहीं है ठीक है फिर आगे आ जाते हैं क्लिनिकल साइंस ठीक है जो भी जब आप एग्जामिन कर रहे होते हैं किसी को डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप देख रहे होते हैं कोई अब होती है आप को फॉर आइडिया हो जाता है कोई हेड पोस्चर का इशू फेस टर्न का इशू या किसी किस्म का को कोई भी उसका रीडिंग डिस्टेंस का स्क्वीज करने का तो ये क्लिनिकल साइंस आप साथ साथ मोनिटर कर रहे होते हैं कि किसी किस्म की कोई अब नॉर्मलिटी आपको अब नॉर्मल चीज़ नजर आए तो आपको फ़ौर माइंड में क्लिक कर जाता है कि मुझे ये चीज़ भी देखनी है या ये चीज़ देखनी चाहिए या इसको ये प्रॉब्लम हो सकता है फिर आइए लाइनमेंट आ जाती है मींस कि आपने स्कूट थोड़ा बहुत असेसमेंट कैसे करनी है आप जस्ट सिंपली आपने कवर एंड कवर परफॉर्म कर लेना है ठीक है उससे भी आपको आइडिया हो जाता है वैसे तो ट्रोपिया तो देखने से भी आपको पता चल जाता है कि इसको ट्रोपिया है ठीक है लेकिन अब प्रॉपर तरीका यह कि आप उसका कवर एंड कवर परफॉर्म करें फार पे भी नियर पे भी ठीक है टारगेट दे के फिर आगे कन्वर्जेंस सिंपली आप जो है वो वैसे तो आर रूल्स बेहद बेस्ट है लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो आप पेन से भी उसकी कन्वर्जेंस थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि कन्वर्जेंस इनसफिशेंसी है कन्वर्जेंस एक्सेस तो नहीं है अगर इनसफिशेंसी है फिर आपने उसको किस तरह से एक्सरसाइज़ से जो है वो एडवाइस करके मैनेज करना है एक्सेस है फिर आपने क्या करना है ठीक है उसको प्रॉपरली जो है पहले एक्सेस करें उसके बाद उसको मैनेज करें फिर एकोमोडेशन आपको पता है विद ग्रोइंग एज एकोमोडेशन डिक्लाइन हो जाती है अब जिस किस एज पे कितनी अकोमोडेशन होनी चाहिए नॉर्मल वो भी आर एफ रूल से हम जो है वो मैर कर लेते हैं कि इस एज में इतनी होनी चाहिए और नहीं है तो इट मीनस कि ये डिफेक्टिव है या ज़्यादा है तो एक्सेस है तो एकोमोडेशन को प्रॉपरली मैर करना मॉनिटर करना एकोमोडेशन को एसेस करना उसके बाद फिर उसको मैनेज करना कि किस तरह की ग्लासेस देनी है प्लस ज़्यादा देना है कम देना है माइनस पावर अगर आ रही है तो उसको क्या करना और करेक्शन देनी है या अंडर करेक्शन देनी है ठीक okay. है इसी तरह परसुएट स्क्रीनिंग भी आपने करनी है परसुएट मीज जो आपकी स्लो जो आपकी मूवमेंट्स होती हैं यानी ट्रैकिंग आई मोमेंट्स होती हैं किसी चीज़ को आप पेशेंट को दिखाते हैं और उसको वो ट्रैक करता है फॉलो करता है वो परसुएट मूवमेंट्स खिलाती हैं इस तरह स्कैड सो जो होती हैं ये थोड़ी रैपिड मूवमेंट्स होती हैं फास्ट मूवमेंट्स जिनको हम बोलते हैं जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ को पेशेंट फोकस करता है और उससे हम आइडिया लगाते हैं कि इसकी परसुएट या स्केडिक आई मोवमेंट्स कैसी हैं ठीक है थीके? तो ये सारी चीज़ें हैं ये सारे फंक्शंस हैं जो हमने असेस करने होते हैं और एग्ज़ामिन करना होता है पेशेंट को कि उसके जो वियल अनोमलीज़ हैं वो किस तरह की हैं और उनको मैनेज किस तरह से किया जाएगा वो तभी पता चलेगा जब आप उसको प्रॉपरली असेस करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि ये जो आज इस ऑकोपेशन के लिए आप उसको एग्ज़ामिन कर रहे हैं मोनिटर कर रहे हैं वो ऑकुपेशन उसके लिए सूटेबल है या नहीं है तो ये था हमारा आज का टॉपिक उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएगा कोई भी क्वेश्चन हो इनबॉक्स जरूर करें स्टे कनेक्टेड स्टे ब्लेस्ड अल्लाह हाफिज़